भागलपुर में अपराधी बेलगाम हो गए हैं और अपराधियों पर नकेल कसने की बात पुलिस प्रशासन तो कर रही है, लेकिन अपराधियों का मनोबल इतना ऊंचा हो गया है कि प्रशासन का उन पर खौफ ही नहीं दिख रहा। ताजा मामला मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र की काजीचक का है, जहां दो युवक काजीचक के सिकंदरपुर हरिजन टोला के रामचंद्र लेन में खुलेआम देसी तमंचा लहराते हुए लोगों को गाली गलौज देते हुए गोली मारने की धमकी देते नजर आए। दोनों आरोपियों की पहचान कोढ़ा गेट निवासी मनीष यादव और नीतीश यादव के रूप में हुई है। दोनों आरोपी सिकंदरपुर हरिजन टोला के रहने वाले अनिल कुमार से रंगदारी मांगने पहुंचे थे। वहीं अनिल कुमार ने बताया कि मनीष और नीतीश ने मिलकर उसकी एक गाड़ी बिक्री करवाई थी, जिसमें उन दोनों ने अनिल से कमीशन मांगा था, जिसके बाद अनिल के द्वारा दोनों को 15,000 रुपये कमीशन दे दिया गया था। इसके बाद फिर से वो दोनों 20,000 रुपये कमीशन और मांग रहे थे और मना करने पर गाली गलौज करते हुए जान मारने की धमकी दी और उसके बाद देसी कट्टा दोनों ने मेरे ऊपर तान दिया। किसी तरह जान बचाकर मैं मुजाहिदपुर थाना पहुंचा हूं। अनिल कुमार ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिसमें मनीष यादव, नीतीश यादव, सतीश कुमार दास और राजकुमार दास का नाम है। अब सवाल उठता है कि भागलपुर में आए दिन हत्याएं, छिनतई व अपहरण का केस बढ़ता ही जा रहा है, फिर भी अपराधियों पर प्रशासन का खौफ क्यों नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर सीनियर SP बाबूराम ने कहा कि खींचे हुए गाड़ी खरीद बिक्री को लेकर मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में मनीष यादव उसके भाई ने अनिल कुमार के घर में घुसकर अवैध हथियार के बल पर हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने मनीष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस कप्तान ने कहा कि मनीष मधुसूदनपुर का रहने वाला है और वहां के SHO ने आपराधिक इतिहास वाले मनीष यादव पर नजर नहीं रखी, इसके लिए उसको भी कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही जिले के सभी SHO को निर्देश दिया गया है कि उसके थाना क्षेत्र का रहने वाला अपराधी यदि कहीं भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है तो उसका भी दायित्व तय किया जाएगा। मेरा घर सिकंदरपुर टोला है और मेरे साथ एक लड़का था जिसका नाम मनीष कुमार यादव है, उसका भाई नीतीश कुमार यादव है। दोनों ही भाई मिलकर आज 6:45 पर मेरे घर पे हथियार के साथ आया, मेरे साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा, जिसमें मैंने कहा कि क्यों कर रहे हो, तो बोलने लगा कि तुम्हारा जो गाड़ी बिचवाए हैं हमको उसका कमीशन चाहिए। कमीशन के तौर पर वो ऑलरेडी हमसे 15,000 रुपया ले चुका था, फिर आज फिर डिमांड करने लगा कि तुम हमको 20,000 रुपया दो, नहीं तुमको जान से मार देंगे, तुम घर से कहीं भी। ये किसने कहा आपको? ये मनीष यादव ने कहा, उसका घर कोढ़ा गेट है, लोधीपुर थाना क्षेत्र पड़ता है। अभी आप कहाँ आए? अभी हम मुजाहिदपुर थाना आए आवेदन देने के लिए। क्या कुछ कहा मुजाहिदपुर थाना में? जी मुजाहिदपुर थाना में क्या कहा आवेदन देने के बाद? आवेदन दिए कि उस चीज़ पे कार्रवाई की जाए, मेरे ऊपर जानलेवा का कोई खतरा है। तो थाना के द्वारा क्या आश्वासन मिला आपको? बोला गया है आप आवेदन दीजिए। ये कल मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में हरिजन टोला में दो युवक का कट्टा लहराने का सूचना हम लोगों को मिला था, वीडियो मिला था। जांच में ये पता चला कि मनीष नाम का एक लड़का था, जो अनिल नाम का लड़का है उसके घर पे चढ़ के इन्होंने कल हमला किया और उसको डराया धमकाया। तो जो अनिल है वो फाइनेंस की गाड़ियाँ खरीदता है और आगे गाड़ी बेचता है, तो मनीष नाम के लड़के ने उसकी गाड़ी बिकवाई थी जिसको 10,000 का कमीशन का रुपया मिला था। अनिल से वो और पैसे की मांग कर रहा था और इसी पैसे की वसूली के लिए उसके घर पर जाके उसको धमका रहा था। तो मनीष की गिरफ्तारी की गई है, दूसरा उसका भाई है जो फरार है उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और जांच में ये पता चला कि ये दोनों अपराधी मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। मधुसूदनपुर SHO से हम लोगों ने जानकारी ली कि मनीष नाम का ये अपराधी पहले भी रंगदारी में जेल जा चुका है, तो इसकी सूचना थाना को क्यों नहीं थी, इसकी गतिविधि पर थाना की नज़र क्यों नहीं थी? तो SHO ने बताया कि ये अपने एरिया में कम ही रहता है, हालांकि उन्होंने सूची बनाई हुई थी लेकिन इस पर नज़र नहीं रख सके हैं। तो इसके लिए स्थानीय SHO को चेतावनी दी गई है, शहर के सभी SHO को कहा गया कि उनकी नज़र उनके हर एक अपराधी के ऊपर होनी चाहिए, उनके एरिया का अपराधी कहीं भी क्राइम करेगा तो जो स्थानीय थाना है उसकी जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के अंबे सालेपुर मोहल्ले के रहने वाले व्यवसायी बिमल कुमार मिश्रा के घर में एक युवक हाथ में चाकू, गड़ासा और लोहे का रॉड लेकर घुस गया और घर वालों पर जमकर प्रहार कर दिया, जिससे घर के 4 लोग घायल हो गए, जिसके बाद घर वालों ने हल्ला मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग पहुंच गए और आम लोगों के द्वारा युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। व्यवसायी बिमल कुमार मिश्रा का कहना है कि वो पानी का कारोबार करते हैं और आज घर में वो लोग बैठे हुए थे कि अचानक हाथ में हथियार लेकर युवक घर में घुसा और सभी लोगों पर हमला करने लगा, जिसके बाद आम लोगों की मदद से उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं व्यवसायी का कहना है कि वो उसे नहीं जानते लेकिन वो शक जाहिर कर रहे हैं कि किसी ने हत्या करने की नीयत से उसे भेजा है। वहीं पुलिस युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। युवक के द्वारा हमला किए जाने की तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि युवक के द्वारा अचानक घर में घुसकर किस तरह से घर के लोगों पर हमला किया गया। यहाँ पे बैठे थे
अचानक ही अंदर घुसा और उसके बाद हाथ में लोहा का रड और गुप्ती था, मारना स्टार्ट कर दिया। हम लोग सबको जख्मी हो गए हैं, मम्मी को लग गया चोट, पापा को लग गया, भाई बहन बेटी सबको लग गया, गाली गलौज करने लगा, मारा जो तुम्हारा सुपारी मिला है, यही सब मामला है। अम्बई सालेपुर थाना हबीबपुर क्षेत्र। कोई दुश्मनी नहीं, हम नहीं जानते हैं इसको। क्या नाम हुआ आपका? विमल कुमार मिश्रा। क्या लगता है मारने के? मारने का लगता है इसको कोई भेजा है, सुपारी उपारी दे के नया ग्रासी बना के लाया है, गुप्ती है, चाकू है, सब चीज़ है। आपका क्या चीज़ का व्यापार है? मेरा पानी प्लांट है। सिंबल मिलने के साथ ही नगर निगम चुनाव की सरगर्मी अब बढ़ गई है। हालांकि अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, फिर भी प्रत्याशी अपनी ओर से मतदाताओं से संपर्क साधने में लग गए हैं। चूंकि 20 तारीख को मतदान होना है और 18 तक ही चुनाव प्रचार करना है, तो अब सिर्फ 16 दिन ही मतदाताओं को लुभाने के लिए बचे हैं। इस बीच तमाम उम्मीदवार चाहते हैं कि अधिक से अधिक मतदाताओं तक सीधे पहुंचकर अपनी बात उन तक रखी जाए। पहली बार महापौर पद का चयन मतदाता डायरेक्ट करने वाले हैं, तो मेयर प्रत्याशी खुद सभी मतदाताओं से मिलकर अपने वादों और इरादों से उन्हें अवगत करा रहे हैं। इसी क्रम में मेयर पद की प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल लगातार जनसंपर्क अभियान में लगी हुई हैं और सीधे मतदाता से मिलकर अपनी बातों से उन्हें अवगत करा रही हैं। अपने समर्थकों के साथ डॉक्टर वसुंधरा लाल घर घर जाकर लोगों को अपने चुनाव चिन्ह टमटम छाप जो कि ईवीएम पर क्रमांक 5 पर रहेगा पर मत देने की अपील कर रही हैं। आज डॉक्टर वसुंधरा लाल ने खरमनचक, नाथनगर, चंपानगर सहित अन्य क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों की समस्याओं से रूबरू होते हुए उन्हें विश्वास दिलाया कि अगर मतदाता उन पर विश्वास करते हैं तो वो उनके विश्वास पर खरी उतरेगी और भागलपुर नगर निगम क्षेत्र एक आदर्श नगर निगम के रूप में दिखेगा। स्मार्ट सिटी की सभी योजना जल्द ही धरातल पर दिखेगी। शहर में मूलभूत सुविधाओं में विशेष उन्नति दिखेगी। वहीं मतदाता भी डॉक्टर वसुंधरालाल की बातों को गंभीरतापूर्वक सुन रहे हैं। जनसंपर्क अभियान ने मतदाताओं में दिख रहे उत्साह से डॉक्टर वसुंधरालाल भी उत्साहित दिखी और अपनी जीत का भरोसा जताया। मैं अभी तो जगह जगह घूम रही हूँ, जा रही हूँ। जितना मैं सोची भी नहीं थी, जितना मुझे उम्मीद भी नहीं था, उससे ज़्यादा समर्थन मुझे मिल रहा है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि मेरी 100% जीत सुनिश्चित है। पब्लिक का भरपूर सपोर्ट मुझे मिल रहा है। भागलपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में दुर्गा पूजा का त्यौहार शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में पूरे शहरी क्षेत्र में देर शाम फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का उद्देश्य असामाजिक तत्वों से सावधान एवं शांति प्रिय आवाम में कानून के प्रति जिम्मेवारियों का एहसास कराना था। फ्लैग मार्च में पुलिस पदाधिकारी एवं शस्त्र से लैस पुलिस बल के जवान शामिल हुए। पुलिस का काफिला लंबी कतार में पुलिस लाइन परिसर में फ्लैग मार्च करते हुए निकला और मनाली चौक, आदमपुर चौक, खलीफाबाग चौक, कोतवाली चौक, स्टेशन चौक, ततारपुर सराय होते हुए सभी संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च करते हुए नाथनगर पहुंचा। उसके बाद पुनः पुलिस लाइन परिसर वापस आकर संपन्न हुआ। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, CTSP स्वर्ण प्रभात, ASP शुभम आर, सार्जेंट मेजर के शर्मा के अलावे कई वरीय पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। SSP बाबूराम ने दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए हर वर्ग से सहयोग की अपील की। साथ उन्होंने यह भी कहा किसी प्रकार की अफवाह एवं भ्रामक खबरों से सावधान रहे। साथ उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले मैसेज को फॉरवर्ड करने से परहेज करें। जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग सोशल मीडिया पर बारीकियों के साथ नजर रख रही है। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन 24 घंटे सक्रिय है। को लेकर बाहर से पैरामिलिट्री बल आया है जिला में, BSF की भी एक कंपनी आई है, DIG साहब का दंगा रिजर्व, जिला का दंगा रिजर्व, इन सब की ड्यूटी हम लोगों ने बांट दी है। कल भी शहर में फ्लैग मार्च हुआ था, आज हम सभी लोग अभी निकलेंगे फ्लैग मार्च के लिए और शहर के सभी जो संवेदनशील मोहल्ले हैं, स्थान हैं, उन सभी जगहों पर फ्लैग मार्च कराया जाएगा। कितने अतिरिक्त बल मंगवाए गए हैं भाग? बाहर से रैफ की एक कंपनी आई है, एक BSF की कंपनी आई है, DIG साहब के स्तर से भी एक दंगा कंपनी हम लोगों को मिली है, इसके अलावा जिला का भी बल लगाया जा रहा है। बिहार पुलिस के पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था संजय सिन्हा देर शाम भागलपुर सर्किट हाउस पहुंचे। भागलपुर में बिगड़े कानून व्यवस्था व दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए ADG संजय सिन्हा ने कहा कि भागलपुर में कुछ हत्याओं की घटना घटी है, कुछ घटनाओं में गिरफ्तारी हुई है, जो वांछित है उसकी गिरफ्तारी के लिए SSP को निर्देश दिया गया है।
दुर्गा पूजा की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर हमने तैयारियां की हुई है, अतिरिक्त पुलिस बल दिया गया है, रैफ की कंपनी भी आई है, कार्यालय और पुलिस लाइन में ड्यूटी करने वालों को भी पूजा में ड्यूटी के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि शांति समिति के साथ बैठक की गई है, बगैर लाइसेंस कहीं मूर्ति ना बैठे ना जुलूस निकले, इसके लिए भी कहा गया है। भागलपुर में दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होगा। तैयारियां की हुई है और भागलपुर सभी जिलों के साथ साथ भागलपुर को भी हम लोगों ने अतिरिक्त बल मुहैया कराया है। होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति की गई है, एक कंपनी रैफ भी कल रात में यहाँ पर आ चुकी है, तो और बाकी हमने करीब अन्य जो बीसैप की भी कंपनी है उसको भी हम लोगों ने लगाया। जो नए ट्रेनिंग करके लोग आए थे, नए योगदान दिए हैं जिले में, उन लोग को भी कहा गया कि इसमें लगाने के लिए दुर्गा पूजा के लिए। और सभी तरह की छुट्टियां हम लोगों ने करीब एक हफ्ते पहले ही आप लोगों ने न्यूज़ में चलाया भी था, रद्द कर दी है। तो सभी पुलिसकर्मी जो कार्यालय में भी प्रतिनियुक्ति इधर 5 दिनों के लिए छुट्टी हो गई है, लेकिन उनको कार्यालय में ऐसा नहीं कि कार्यालय बंद हो गया है तो उनको कहीं जाने की वो होगी, अनुमति होगी, उसको हम लोगों ने बंद किया है। और कार्यालय वाले भी जितने पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिस में हो या पुलिस लाइन में, उनको भी सभी लोगों को ड्यूटी में लगाना है। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, यदि बल की कमी भी होती है तो अतिरिक्त होमगार्ड जो कॉल अप करने की भी हम लोग ने उन लोग को स्वतंत्रता दी है। विशेष हम लोग ने बोला है कि जैसे भागलपुर में जिला स्तर पर जो हमारी शांति समिति की बैठक होती थी या थाना स्तर पर जो शांति समितियाँ थी, उसमें नए लोगों को ज़्यादातर रखने के लिए जो भी लाइसेंस देना है वो मूर्ति जितनी बैठाएं उनको लाइसेंस देना है, बिना लाइसेंस दिए हुए कोई मूर्ति ना बैठे या कोई भी जुलूस ना निकले। और साथ ही साथ हर मूर्ति वाले के साथ हम लोगों ने यह भी कहा कि यथासंभव CCTV लगवाएं और जो रूट है उसका वेरिफिकेशन सभी थाना अध्यक्ष SDPO कर लेंगे विसर्जन का, कहीं किसी तरह का किसी रास्ते में कोई विवाद नहीं होना चाहिए या इस तरह का ऐसी कोई स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए कि आखिरी समय में जुलूस का रास्ता हम लोग को बदलना पड़े। हाँ, मुख्यालय से इसकी मॉनिटरिंग की गई है, गुंडा बैंक के संबंध में इधर बात आई थी और उसमें EOU भी काम कर रही है, तो हम लोग इसके प्रति सजग है। हालांकि अभी इतनी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई, कोई बड़ी बात नहीं आई है, लेकिन इसके जो आपने कहा है कि गुंडा बैंक की घटना घटी है, लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वैसे सभी वंचित जो भी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व है उसको हम लोगों ने चिन्हित किया है और आगे इसको हम लोग पनपने नहीं देंगे। सर, क्या जो आत्महत्या और हत्याएं के जो मामले हो रहे हैं भागलपुर में, क्या इनको भी गुंडा बैंक के मामले में जांच के दायरे में रखा जाता है? प्रथम दृष्टया इस तरह के जो हत्याएं हुई हैं अभी तक तो ऐसा कोई मामला नहीं आया है कि परोक्ष रूप से गुंडा बैंक से कोई जुड़ा हुआ हो, लेकिन अनुसंधान के क्रम में इस तरह की कोई बात आएगी तो हम लोग उसको भी जांच में रखेंगे। भागलपुर में हुए ऑटो चालक देव कुमार सिंह हत्याकांड के विरोध में भीड़ के द्वारा नया बाजार चौक पर किए गए उग्र प्रदर्शन के बाद 13 लोगों को नामजद और 100 से अधिक अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कराया है। उसमें से 4 आरोपी मृतक के परिजन है। पुलिस के द्वारा हत्याकांड के बाद अगजनी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ किए गए प्रदर्शन के लिए मृतक देव कुमार सिंह के परिजन सुनील कुमार, सूरज कुमार, भूपेंद्र और टिंकू सिंह और उनके 7 पड़ोसियों को प्रदर्शनकारियों को उकसाने, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए नामजद अभियुक्त बनाया गया है। बता दें कि ऑटो चालक देव कुमार सिंह के हत्या के विरोध में नया बाजार चौक पर लगभग 3 घंटे तक सड़क को जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई थी। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान वहां उपस्थित अधिकारियों से बदसलूकी की गई थी, जिसको लेकर सभी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। वहीं मृतक देव कुमार से लूटा गया टोटो और सोने का लॉकेट अभी तक बरामद नहीं हुआ है। भागलपुर शहर के सभी थानाध्यक्ष के साथ अपराध नियंत्रण हेतु पुलिस कप्तान बाबूराम ने समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीनियर SP ने सभी कोतवाल के साथ थाना, मोहल्ला और गांव वाले अपराधियों की सूची की समीक्षा की, साथ ही सूची को 3 दिन के अंदर अद्यतन करने का निर्देश दिया। इस दौरान सीनियर SP ने मर्डर, रंगदारी, लूट, डकैती, चोरी, सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाले, बम फेंकने, सार्वजनिक स्थान पर गोली फायर करने, गुंडागर्दी करने वाले अपराधियों की नाम सूची में जोड़ने का निर्देश भी दिया है। जिन मोहल्लों या गांव में शून्य अपराधी है उसका भी उल्लेख करना है। शून्य अपराधी वाले मोहल्लों तथा गांव की थानावार सूची मीडिया को दी जाएगी ताकि आम लोगों को जानकारी हो सके, ताकि अगर थाना की कोई सूची में से नाम छूटा हो तो उसको भी शामिल किया जा सके। इन अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने तथा आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई करना थाना की जिम्मेदारी होगी। अगर किसी थाना क्षेत्र का अपराधी कहीं भी अपराध करता है तो अपराधी की निवास स्थान वाले थाना स्तर से की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की जाएगी। लापरवाह पाए जाने पर संबंधित की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। सभी थाना के SHO, सर्किल इंस्पेक्टर, SDPO लोगों को बुलाया गया है। आज हम लोग यहाँ पर ये समीक्षा कर रहे हैं
कि सभी थाना में अपने यहाँ जो मोहल्लावार अपराधियों की सूची बनाई गई थी उसकी क्या स्थिति है। तो कुछ नाम इसमें नए जुड़ने थे, कुछ जुड़े हैं, कुछ अभी और जुड़ने बाकी हैं। सभी थाना को कहा गया है कि जो अपराधी हैं उनका पता लगाएं, अगर वो जेल के बाहर हैं या फरार हैं, वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं, क्या उनकी गतिविधि है, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, ये तमाम जानकारियाँ इकट्ठा करने के लिए कहा गया है। और कुछ थाना ने रिपोर्ट किया है कि उनके कुछ मोहल्लों में या गाँव में कोई भी अपराधी नहीं है। इस सूची को भी हम लोग मीडिया को देंगे ताकि आम लोगों तक ये सूची पहुँचे, और अगर उस सूची में कहीं कोई त्रुटि है, किसी गांव में ऐसा अपराधी है जो हमारी जानकारी में नहीं है, पब्लिक हम लोगों को सूचना दे सके। आम लोगों से अपील है कि सभी SDPO, CTSP और मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पर ऐसे लोगों की सूची व्हाट्सएप के साथ, व्हाट्सएप पे ऐसे लोगों की डिटेल दे दें जो लोग गलत काम में, अपराध में संलिप्त हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, रंगदारी कर रहे हैं या दबंगई कर रहे हैं। किस तरह की अपराधियों की सूची है शामिल इसमें? इसमें मुख्यतः जो प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं, लूट में, डकैती में, मर्डर में, रंगदारी में, बम फेंकने में, गोली फायर करने में, चोरी में, इस तरह के काम में जो लगे हुए हैं, जो विधि व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, आम लोगों के बीच आतंक पैदा करते हैं, ऐसे लोगों की सूची हम लोग बना के उन पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। गांधी जयंती के अवसर पर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के गांधी विचार विभाग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल ने यहां लगे महात्मा गांधी की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। वहीं इस अवसर पर विभाग के शिक्षक और छात्र कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे। कुलपति ने कहा कि गांधी जी कभी मर नहीं सकते, उन्होंने सिर्फ शरीर त्यागा है, उनके विचार आज भी जिंदा है। वहीं सभी धर्मों के लोगों को एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाने और विश्व गुरु बनाने के साथ एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। आपस में एकता होगी तो देश को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि ईश्वर अल्लाह सब एक है, इसलिए लोगों को एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाने में कदम उठाना चाहिए। गांधी के विचारों पर चलकर भाईचारे से रहने के लिए बापू के संदेश को अपने जीवन में लोगों को उतारने की जरूरत है। मैं गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी के द्वारा बताए हुए जो सबसे बड़ा रास्ता है सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह, हमारे छात्र छात्राएं शिक्षक उस चीज़ को अपनाएं गांधी जी की। दूसरी चीज़ जो कहना है, अभी हम लोगों ने प्रार्थना की अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मति दे दो, तो वैसी सोच जब बढ़ेगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इन सभी को एक साथ मिल करके करना होगा, तभी हमारा भारत जो है विश्व गुरु कहलाएगा। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री ने भी कहा है सबका साथ सबका विकास, व्हाट इट मीन्स सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी सेक्स के लोग एक साथ मिल करके भारत के विकास के बारे में सोचे, विश्वविद्यालय के विकास में सोचे, तो सबका साथ सबका विकास है ना। ये जो गांधी जी का जो थाउट सा अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको समर्थ दे भगवान, सबको सुबुद्धि दे ईश्वर, है ना, गिरजा गुरुद्वारा, ये सारी चीज़ें सब एक हैं। भागलपुर में इस वर्ष भारतवर्ष के कई मंदिरों का साक्षात दर्शन देखने को मिल रहा है। सभी दुर्गा मंदिरों में पंडाल सज धज कर तैयार हो गए हैं। लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। भागलपुर के सभी पंडाल श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिसमें आदमपुर चौक पर हल्दिया का दुर्गा मंदिर बनाया गया है। इसे हल्दिया से आए 10 कारीगरों ने लगभग एक महीने में तैयार किया है। वहीं मुंदीचक गढ़िया में केदारनाथ मंदिर बनाया गया है। इसे पीले और लाल रंग के कपड़ों से सजाया गया है। इसे मालदा से आए 11 कारीगरों ने एक महीने में तैयार किया है। बड़ी खंजरपुर में इस बार पंडाल कर्नाटक के नंदेश्वर मंदिर के रूप में बनाया गया है, जिसे कोलकाता से आए 12 कारीगरों ने 25 दिनों में तैयार किया है। मारवाड़ी पाठशाला में शहर का सबसे बड़ा पंडाल बनकर तैयार हो गया है। यहां इस बार अयोध्या का राम मंदिर बनाया गया है। कोलकाता से आए 15 कारीगरों ने 40 दिनों में इसे तैयार किया है। आदमपुर चौक पर कोलकाता का शक्तिपीठ माँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर का रूप तैयार किया गया है। इसे 10 कारीगरों द्वारा 25 दिनों में तैयार किया गया है। खास तौर पर इन सभी पंडालों को तैयार करने में गंगा जमुनी तहजीब को प्रदर्शित करते हुए मुस्लिम कारीगरों ने अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। पूरे भागलपुर में सारे पंडाल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोगों की भीड़ उमड़ रही है। एक तरफ जहां माता रानी के दर्शन और पूजा अर्चना को लोग जा रहे हैं, वहीं पंडाल का आकर्षण श्रद्धालुओं को खूब भा रहा है।
दुर्गा पूजा शुरू हो चुकी है। दुर्गा पूजा के भव्य आयोजन के लिए चंदा भी लिया जा रहा है, लेकिन इस बार भागलपुर की रंगरा गांव के युवकों ने चंदा लेने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया है जिसके बारे में हर और चर्चा हो रही है। आपने दुर्गा पूजा के लिए गांव में घर घर चंदा वसूलते हुए पेन कॉपी लेकर युवक को तो देखा होगा। इस दौरान अक्सर लोग ये बहाना बना देते हैं कि पॉकेट में कैश नहीं है, कल देंगे या भिजवा देंगे, जिसके बाद दुर्गा पूजा के लिए ऑनलाइन चंदा लिया जाने लगा। भागलपुर की रंगरा प्रखंड के रंगरा गांव में युवक दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर अपने हाथ पर पे फोन का QR कोड लगा डिजिटल चंदा ले रहे हैं। अपने हाथ पर QR कोड का स्टिकर लगा डिजिटल चंदा ले रहे अमन सिंह ने बताया कि चंदा देने के लिए लोग ऑनलाइन चंदा दे रहे हैं। गांव में लोग अब बिना किसी झिझक के डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। अमन सिंह के साथ चंदा ले रहे युवकों ने बताया कि लोग पहले पैसा नहीं होने की बात कहते थे, लेकिन जैसे ही अब वो पे फोन का कोड देखते हैं तो चंदा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। चंदा ले रहे युवकों ने बताया कि अधिकांश लोग मोबाइल निकाल खुशी खुशी अपने हिसाब से डिजिटल चंदा दे रहे हैं। भागलपुर में इस प्रकार चंदा लेने की पहली शुरुआत है। बता दें, दुर्गा पूजा के अवसर पर हर साल रंगड़ा गांव में विराट दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। इस साल भी दुर्गा पूजा का यहां भव्य आयोजन हो रहा है। युवकों ने बताया कि दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर पहले से ही सक्रिय है तथा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारा ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चंदा हो रहा है और हम लोग एकत्रित पूरे गांव से सभी के घरों से हरेक जो भी जिसको जो भी होता है ऑफलाइन देना ऑनलाइन देना हो हम लोग सभी से लेके माता के चरणों में प्रसाद के रूप में हम लोग अर्जित करते हैं और हम लोग कुछ अन्न भी ले रखा है जो भी हम लोग को और हम लोग सारे लोग पूरे गांव से चंदा एकत्रित करके माता का पूजा करते हैं।